कल वाणी चल रही थी 9, 5, 6 सेट की प्रश्न 2 मध्यादि में बाप कहते हैं मैं टीचर हूँ तुमको पढ़ाने के लिए टीचर हूँ ऐसे नहीं कि हे टीचर हम पर कृपा करो तुम कृपा आदि क्या मांगते रहते हो आशीर्वाद तो जन्म से ही लेकर के आए हो तो कृपा आदि मांगने की क्या बात है बाप के बच्चे बने आकर के माँ बाप की मिल्कियत के मालिक बने और आशीर्वाद क्या करेंगे बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बन गया बाप तो कहते हैं क्या कृपा करें यहाँ तो कृपा की बात नहीं है सिर्फ बाप को याद कर रहे ये भी किसी को पता नहीं है कि बाबा बिंदी है अभी तुमको बाप ने बताया है सभी कहते भी है परमपिता परमात्मा गॉडफादर सुप्रीम सोल तो परमात्मा ठहरा ना वो है सुप्रीम बाप बाकी सब है आत्मा नॉन सुप्रीम सुप्रीम बाप आकर के आप संबंध बनाते हैं आकर के जाकर के नहीं आते हैं और आकर के बाप समान बनाते हैं मन सब बच्चों को निराकारी स्टेज में स्थिर कर आते हैं और कुछ नहीं कोई की बुद्धि में होगा कि क्या बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो अभी जानते हो देखो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है गर्भ से बच्चा जब बाहर निकलता है तब आयु शुरू होती है 6 मास गर्भ में रहा वो भी गिनती करनी चाहिए परंतु वो गिनती नहीं है सीकस तो पूरे 84 जन्म लेते गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 20-25 वर्ष लगे ना तो वो 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े कृष्ण तो गर्भ से बाहर निकला और पूरे 84 जन्म लिए लक्ष्मी नारायण के लिए 20-30 वर्ष कम कहेंगे शिव बाबा को तो तुम गिन नहीं सकते हो क्योंकि वो तो कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता टाइम दे नहीं सकते साक्षात्कार होते थे मुसलमान लोग आते थे वो भी बगीचा दिए थे आदि देखते थे उन्होंने ये नौधा भक्ति आदि तो कुछ भी नहीं की घर बैठे आते ही ध्यान में जाते रहते थे वो भक्त लोग तो कितनी नौदा भक्ति करते और बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते देखो बाबा दूर देर से आया है ये बात बच्चे जानते हैं और इसमें प्रवेश करके हमको पढ़ाते फिर बच्चों का बाहर जाने में नशा गुम हो जाता है तो क्या करना चाहिए
बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है तो क्या करना चाहिए नशा मेंटेन रखने के लिए? है बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं बैठे रहना चाहिए। अगर ये याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें अर्जुन टाइम चाहिए। जबकि बाप ही कर्मातीत नहीं बना है तो बच्चे कैसे बनेंगे? तो सारा मदार किसके ऊपर आ गया? बाप के ऊपर। कौन से बाप के ऊपर? ह्यूमिनिटी का जो बाप है वो जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बना है तब तक किसी की कर्मातीत अवस्था नहीं बन सकती। और ह्यूमिनिटी का बाप को क्यों कर्मातीत नहीं बन रहा है अभी तक? क्या कारण है? क्योंकि बच्चों को साथ लेकर के जाना है, अकेला वापस नहीं जाना है। तो बच्चों को जिनको साथ लेकर के जाना है उनके साथ रहना तो है ना। कब तक? जब तक सब बच्चे तैयार हो। तो साथ में रहना है तो संग का रंग भी किसका लगेगा? बच्चों को लगेगा। अरे उसमें तो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश है, उसे संग का रंग क्यों लगेगा? लगना चाहिए है? नहीं लगना चाहिए है? लगना चाहिए। एक को ही लगना चाहिए या सबको लगना चाहिए? सबको क्यों है? एक सुप्रीम सोल बाप एक मुकर्र रथ में आता है तो जिस एक मुकर्र रथ में आता है उसके लिए गारंटी होनी चाहिए कि उसके उसको संग का रंग न लगे। बाकी जो रुद्रमाला के मणके हैं जिनमें मुख दिखाए जाते हैं यादगार प्रवेशता की, उनको भले संग का रंग लगता रहे क्योंकि वो तो मुकर्रर नहीं है, मुकर्रर तो एक ही है। तो आखिर निराकरण क्या हुआ है? नहीं, एक जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसका अनेक बच्चों से कनेक्शन है, क्योंकि 500 करोड़ बच्चे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के लिमिटेड बच्चे। तो जिसका अनेकों से कनेक्शन होगा है तो आत्मा ही ना। भले आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली परमात्मा है, लेकिन जो बात जो नियम एक आत्मा के लिए लागू होगा वो सभी आत्माओं के लिए लागू होगा। जन्म मन के चक्र में आने वाली जो भी आत्माएं हैं उनको संघ का रंग जरूर लगता है। एक सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको संघ का रंग नहीं लगता है। तो ढेर बच्चों के कनेक्शन में आने के कारण टाइम लग जाता है कर्मातीत अवस्था बनने में। ठीक है, सुप्रीम सोल की प्रवेशता के कारण जो संघ का रंग लगता है वो जल्दी खत्म हो जाता है और उनमें प्रवेशता की लिमिट नंबर वार है, उसमें प्रवेशता जास्ती होती है, लेकिन संघ का रंग लगता तो है ना। तो जो संघ का रंग लगता है उसे हटाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा जितना और बच्चों को लगेगा। नंबर वार बच्चे हैं, 108 की माला है, वो तो यादगार है बाप की प्रवेशता की, तो वो पावरफुल आत्माएं हैं, शक्ति को परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं। उनकी कर्मातीत अवस्था नंबर वार पहले बनती है।
लेकिन उन सबसे पहले किसकी बनती है? बाप की बनती है, लेकिन वो अकेला नहीं कर सकता, बच्चों के साथ ही उसका पार्ट लुदा हुआ है। इसलिए कहते हैं बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती। बाप अकेला नहीं आता है, जब सुप्रीम सोल बाप भी अकेला नहीं आता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ आता है। तो जो ह्यूमिनिटी का बाप है उसकी जयंती होगी, क्योंकि जयंती तो साकार की होती, तो वो अकेले की जयंती नहीं मनाता। नई दुनिया का संगठन प्रत्यक्ष होगा तो एक से नहीं होगा, परिवार होगा, कुटुंब होगा, एक साथ प्रत्यक्षता होगी। तो बताया सबसे पहले मम्मा को अच्छा पोजीशन गया, कर्मातीत अवस्था को पा लिया, कौन से शरीर से, स्थूल शरीर से या सूक्ष्म शरीर से? कर्मातीत अवस्था को मम्मा बाबा ने पाया तो कौन से शरीर से पाया? स्थूल शरीर से कर्मातीत अवस्था को पा लिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर का बंधन उनको अभी भी है। शरीर के दुख सब दूर हो गए, बाबा भी चाहते क्यों न वहां जाए सर्विस करें, क्योंकि उस समय ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा नहीं था, तो उनकी भी ये आस थी कि जैसे मम्मा शरीर छोड़ करके चली गई, सूक्ष्म वतनवासी बन करके सूक्ष्म शरीर धारण करके सर्विस करती है, वैसे मैं भी जाकर के सर्विस करूं। मम्मा को तो बहुत अच्छी लिस्ट मिल गई, क्या स्थूल शरीर के भान से परे हो जाना और सूक्ष्म स्टेज में टिक जाना, ये पुरुषार्थ की लिफ्ट मिल जाती है। जिन आत्माओं को ये लिफ्ट मिलती है उनको जैसे टीचर की पढ़ाई मिलने लगती है, डायरेक्ट अंदर ही अंदर मन चिंतन मंथन तीव्रता से चलता है और देह का बन भूल जाता है। सेवा की प्लानिंग बुद्धि में चलती है, नई दुनिया का नजारा बुद्धि में चलता है, ज्ञान के पॉइंट्स का मन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता है और स्थूल देह का भान छूट जाता है। लेकिन मम्मा को तो शरीर ही नहीं है, जैसे कि अभी बाबा को भी शरीर नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है, अपना चोला तो नहीं है, तो क्या वो आत्मा सर्विस नहीं करती है? और सर्विस ऊपर करती है या नीचे करती है? नीचे करती है। तो जो नीचे सर्विस कर रही है वो जरूर बच्चों में प्रवेश करके सेवा करती है, जैसे शोभा प्रवेश करते हैं वैसे वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं भी प्रवेश करती है। तो ये लिफ्ट मिलने की बात है, सूक्ष्म स्टेज में टिकना, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे तो पाइट पैसे का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं कृष्ण ने कोई मुरली नहीं बजाई, वो तो ज्ञान की बातों को जानते ही नहीं।
लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ये नहीं जाना तो ये फकीर सन्यासी कैसे जानेंगे। सागर में पीपल के पत्ते पर आया ऐसे दिखाते हैं, अब जानते नहीं है कि सागर क्या है, पीपल का पत्ता क्या है। इतनी हल्की पीपल के पत्ते की नवैया क्यों बनाई है और उस पर श्रीकृष्ण बिटैया दिखाए दिए। वास्तव में ज्ञान सागर है, वो है खिवैया, और जो पीपल का पत्ता है वो ब्रह्म वृक्ष माना जाता है। पीपल और कहते हैं कि पीपल पर भूत प्रेत निवास करते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में पीपल की लकड़ी चूल्हे में जलाते नहीं है। न पीपल के लकड़ी से जलाई हुई आग से बनी हुई कोई चीज खाते। अब ये भक्ति मार्ग की मान्यताएं हैं, है तो कुछ भी नहीं। वास्तव में पीपल का पत्ता हवा का झोंका जब आता है तो बहुत हिलता है। पीपल पात सरसमन डोला, तो ये मन रूपी जो ब्रह्मा है वो पीपल के पत्ते की तरह डोलायमान हो जाता है। कब? जब सूक्ष्म शरीर धारण करके कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करता है। जिस ब्राह्मणी में प्रवेश करता है वो ब्राह्मणी अंतिम जन्म के चोले में जगत की माता का पाठ बजाती है। माताओं की हालत कलयुग के अंत में बहुत पतली हो जाती है, चारों ओर के बंधन लग जाते हैं, और वो तो जगत की माता है, पूरा ही रावण की जेल में आ जाती है। तो दूसरों के प्रभाव में कौन आवेगा? जिसका मन कमजोर होगा वो आवेगा, या जिसका मन सुदृढ़ होगा वो आवेगा। कमजोर मन वाला दूसरों के चंबे में आ जाता है। निर्णय करने की शक्ति उतनी नहीं रहती तो भी दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेना पड़ता है। तो वो ब्रह्मा की सोल जिसे जगदम्बा में प्रवेश करती है वो जगदम्बा हुआ पीपल का पत्ता, और कृष्ण की सोल है बिठैया, शिव बाप है केवैया, और ये संसार सागर है विषय सागर। इतने विषय सागर के हिलोरे आते हैं कि लोग समझते हैं कि ये नैया डूबी की डूबी, और बाप मुरली में क्या कहते हैं, नैया हिलेगी झुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों क्यों नहीं डूबेगी? इतनी हल्की नवैया पीपल के पत्ते की तो क्यों नहीं डूबेगी? इतने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, तूफानों के बीच से नैया गुजर रही है, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप खिवैया है, और वो खिवैया नवैया की तरफ ज्यादा ध्यान देता है कि नवैया में बिठैया जो है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है, नवैया की तरफ ध्यान देता है।
नवैया तो दूसरी बन जाएगी, लेकिन जो बिठैया है कन्हैया वो तो एक ही बच्चा है। क्या? जो एक बच्चा है वो एक बच्चा सृष्टि का पहला पत्ता है। उस पहले पत्ते के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बाप को नैया पार लेकर के जाना है। नैया पार जाएगी तो स्वर्ग का गेट खुलेगा। स्वर्ग का गेट खुलने के साथ साथ शांति धाम का भी गेट खुलता है। तो वो तो दिखा देते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया, ये सब कहानियां दिखाई दी जो बैठ करके लिखी है। कहते गंगा नदी में पैर डाला तो गंगा नीचे चली गई। नौ पांच छह चट्टी वाणी का तीसरा पेज। अब विचार करो, मनुष्य कितनी बातें न बना सकते। अब बात समझाते हैं, तुमको कोई भी उल्टी फुल्टी बातों पर कब विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ साथ कितने मनुष्य पढ़ते, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। बाप ने प्रैक्टिकल कहा है तो 2500 वर्ष के बाद मनुष्यों ने पुस्तकों में वो लिख कर के रखा है गीता। हे अर्जुन, तू जो कुछ पढ़ाई पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाए। इस देह को भी भूल जाओ, तुम नंगे आए थे। मन आत्मा जब परम धाम से आई थी तो शरीर रूपी वस्त्र लेकर के नहीं आई थी। फिर यहाँ ये वस्त्र धारण करके पाठ बजाया। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती है। भिन्न नाम, भिन्न रूप, भिन्न देश, भिन्न चोला पहन करके पाठ बजाती आती। अब बाप कहते हैं ये तुम्हारा वस्त्र ठीक ही हो चुका है, ये तुम्हारा शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो गया है, चीची हो गया है, और आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हो चुके हैं। आत्मा को ही श्याम और आत्मा को ही सुंदर कहा जाता है। आत्मा प्योर थी तो सुंदर थी। फिर काम शिक्षा पर बैठने से काले बने। कब से काम शिक्षा पर बैठे? द्वापर युग से कौन आया? इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म आया, वहां से काम विकास शुरू हुआ। तो काम शिक्षा पर बैठने से काले बने। न इस्लाम धर्म आता, न व्यभिचार बढ़ता, न काले बनते। क्यों क्यों पे विचार बढ़ता जाता है, क्यों क्यों आत्माएं और उनके शरीर रूपी वस्त्र छी छी बनते जाते हैं, बदबू बढ़ती जाती है, ग्लानी होती जाती है। अब फिर बाप ज्ञान शिक्षा पर बैठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो। किसे याद करो और कौन कहते हैं? पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं। माना नीचे वाला नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाला। दो सोल है, एक सुप्रीम सोल और दूसरी मनुष्य आत्माओं का बाप। वो नीचे का पार्टधारी है, वो सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाला है। कौन? सुप्रीम सोल,
बलि शक्ति पर आता है तो भी मन बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहता है। इसलिए यादगार दिखाते हैं कि शंकर जी सदैव कहाँ रहते थे? कैलाश पर्वत पर रहते। अब उन्होंने हिमालय पहाड़ पर जो ऊंची चोटी कैलाश की है वो दिखाई दी है। अब पहाड़ पर रहने की कोई बात नहीं है, ये तो ऊंची स्टेज में रहने की बात है कि परमात्मा बाप भरत सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है तो साकार सृष्टि पर आते हुए भी किसी शरीर में आते हुए भी ऊंची स्टेज में रहता है। तो जो भी बच्चे कनेक्शन में आते हैं उनकी भी कैसी स्टेज हो जाती है? ऊंची स्टेज हो जाती है, चेहरे चमचमाने लगते हैं, आत्मा में शक्ति की अनुभूति होने लगती है। तो बोला पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये खाद निकल जाएगी। काहे की खाद है? ये जो दूसरे दूसरे धर्मों की खाद पड़ी है ना संग के रंग की, वो निकल जाएगी। जैसे सोने में तांबा डाला जाता है, चांदी डाली जाती है, लोहा डाला जाता है तो उसकी कीमत घटती जाती है। ऐसे ही आत्मा में त्रेता युग में चांदी जैसी आत्माएं परम धाम से आई और उनके संग के रंग की खाद पड़ती गई। द्वापर युग शुरू होते होते आधी कलाएं खत्म हो गई और द्वापर के आज से इस्लाम धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म आया और इनके संग के रंग में आने से आत्माएं तांबे जैसी बन गई, तांबी और क्रोधी बन गई। कलयुग आता है तो जो मुख्य धर्म आए इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन उनकी सहयोगी डालियों वाले धर्म पिताएं भी उतर पड़े और लोहे की खाद पड़ गई। तो जैसे जैसे खाद पड़ती जाती है आत्मा में मैल बढ़ता जाता है, आत्मा सुंदर से श्याम होती जाती है, काली बनती जाती है। बाप कहते मैं तो सदा शिव हूं, क्या मैं तो हीरे में आता हूँ और हीरा ही बन करके रहता हूँ। जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में क्या दिखाई है? सोमनाथ के मंदिर में लिंग में लाल पत्थर का जो लिंग था उसमें हीरा जड़ा हुआ। तो मैं हीरो पार्ट दाढ़ी में आता हूँ और हीरो पार्ट बजाता हूँ। वो आत्मा हीरो पार्ट नहीं बजाती है, मैं उसमें हीरो पार्ट बजाता हूं। ब्रह्मा के चोले में भी प्रवेश करता है तो ब्रह्मा की सोल सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजाती है, कौन बजाता है? सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है। तो मैं हीरे में आकर के हीरो पार्ट धारी का पार्ट बजाता हूं और मेरे संग के रंग में जो बच्चे आते हैं वो भी हीरे समान चमक मारने वाले बन जाते हैं। आंखों में भी चमक आ जाती है, चेहरे में भी चमक आ जाती है, मन बुद्धि में भी चमक आ जाती है। तो ये खाद निकल जाएगी, आत्मा में खाद पड़ती है। अब देखो गवर्नमेंट कहती है सोना नहीं पहनो, क्या कौन सी गवर्नमेंट कहती है? ईश्वरी गवर्नमेंट कहती है कि सोना नहीं पहनो, इसका क्या मतलब हुआ? स्थूल रूप में देखें तो जो बाहर की दुनिया की स्थूल गवर्नमेंट है, दुनियावी गवर्नमेंट है, वो कहती है कि सोना नहीं पहनना चाहिए,
आजकल चोरी चकारी लुटेरे बहुत बढ़ रहे हैं, कान भी फाड़ देंगे और सोना भी ले जाएंगे, गला भी चीर देंगे और हार भी निकाल के ले जाएंगे, तो सोना पहनने की दरकार नहीं है। बैंकें बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, उन बैंकों में लाकर में रख देना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे जब ज्ञान में आते हैं तो लौकिक दुनिया के संग के रंग में आते हैं तो लोहे की जंजीरें धारण की हुई होती है, और जब अलौकिक ब्राह्मण परिवार के संग में आते हैं तो कौन सी जंजीरें धारण कर लेते हैं? सोने की जंजीरें धारण कर लेते हैं। अब ये सोने की जंजीरें धारण करने का टाइम नहीं है, इन देवताओं के संग के रंग से तुम पावन नहीं बनोगे। जो बेसिक नारी में चलने वाली आत्माएं हैं वो सब क्या बनेगी? कतयुग त्रेता में देवता बनेगी। उन देवात्माओं के संग के रंग से तुम्हारा निस्तार होने वाला नहीं है। तो ये सोना पहनना अब बंद करो। गवर्नमेंट कहती है सोना नहीं पहनो, जो थोड़ा भय बहुत है वो सोना भी लूटते रहते, गवर्नमेंट भी लूटती है, चोर चकार भी लूटते रहते हैं, और जो खोद के जमीन में गाड़ देते हैं तो भूकंप आदि आता है, प्रकृति उसे विलीन कर देती है जमीन में। कलयुग अंत में अभी सोना बिल्कुल नहीं है। क्या सोने जैसी आत्माएं, सच्ची आत्माएं इस शक्ति पर नाम मात्र के लिए भी नहीं है, और सतयुग राज में फिर सोने के महल बनावेंगे। महल ये तो एक मुहावरा है, सोने का महल नहीं होता है। महल माना किला, किला माना संगठन। जो सच्ची आत्माएं हैं, सच्चे दिल वाली आत्माएं हैं, उनका संगठन तैयार हो जाता। त्यागी, तपस्वी, सच्चे पुरुषार्थी, जैसे बाप श्रीमत से चलाना चाहते हैं वैसे ही चलने वाली आत्माएं, उनका संगठन तैयार हो जाता। बंदर है सचिव आज में तुम फिर से वैसे ही सोने के महल बनावेंगे। सच्ची आत्माओं का महल बनेगा और आप सब बच्चे सोने जैसे बन जाएंगे, और संगम युग में कैसे बनना है? हीरा जैसा बनना है। हीरा जैसा बनना है तो किसको पहनना है? है? सोना पहनना तो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, तो हीरा बनने के लिए हीरा पहनना है। लेकिन ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं कहती वो कि हीरा पहनना है। ईश्वरीय गवर्नमेंट कहती है कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। ये बहुत सहज पुरुषार्थ है, क्योंकि नारायण वो है हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी को जितना बुद्धि से याद करेंगे तो स्वयं भी हीरे जैसे बनेंगे। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। ओम, नए नए प्रश्न पैदा होते रहते हैं। पहले भी कई बार बात बताया था कि सेवादारियों को एक छोटी डायरी रखनी चाहिए पॉकेट में, जो प्रश्न आते रहते हैं वो उसमें नोट करते रहे। आपस में भी जो पुराने पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके बीच भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी संतुष्टि नहीं होती है तो जब बाबा आते हैं तो उनसे क्लियर कर लेना चाहिए। तो सभा के बीच में अच्छे अच्छे प्रश्नों का अच्छा अच्छा जवाब मिलता रहेगा।
लेकिन कहते हैं बाबा जब आप आते हैं सामने तो हम सारी प्रश्न भूल जाते हैं। तो डायरी में अगर लिखा हुआ होगा तो याद आ जाएगा। है किसी के पास डायरी? अच्छा बुजुर्ग की डायरी नहीं। बांदेली माताएं क्या पूछती है? क्लास करने के लिए जाने नहीं देते। क्लास करने के लिए जाने नहीं देते? क्लास माने क्या होता है? कोर्स भी सुनने नहीं देते। क्लास माने क्या होता है? क्लास माना संगठन। दो भी आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है? संगठन। क्लास हो जाता है, संगठन हो जाता है। तो एक बाप और दूसरी बांदेली माता रोज संगठन करते रहे। इससे बढ़िया संगठन और कोई होता नहीं। और माया बेटी है? माया बेटी कोई और चीज थोड़ी होती है, अपनी कमजोरी माया बेटी होती है। माया और रावण साथ साथ बोला जाता है। माया माँ माने नहीं, आया माने आया। ना आया होता तो ज्यादा अच्छा, लेकिन वो आ जाता है तो बुरा हो जाता है। क्या आ जाता है? या तो स्त्री चोले के रूप में आ जाता है तो वो माया कही जाती है, या तो कोई पुरुष चोला लेकर के आ जाता है तो वो रावण हो जाता है। दो रूप में माया रावण आ जाता है। अब आता तभी है जब हमारे अंदर कमजोरी होती है। अगर अपने अंदर कमजोरी न हो तो माया रावण कुछ भी कर नहीं सकता। क्या कमजोरी होती है? है? सीता ने क्या कमजोरी की जो माया रावण ले गया? हाँ, कीमत की लीका को पार कर दिया, क्रॉस कर दिया। कोई न कोई कीमत की बात को हम उल्लंघन करते हैं तो माया रावण से प्रभावित हो जाते और माया रावण हमको ले जाते हैं अकेले में, एकांत में ले जाके हमारी खूब अच्छी तरह सुनाई करता है। सुनने के बाद सभी जो कहते हैं आप भी यही कहते हो? क्या कहते हो? जो सभी लोग यही कहते हैं कि परिवर्तन होना है, ये होना है, वो होना है, वो आप भी वही कहते हो? क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। हमारा भी बाबा है, हमारा भी गुरु है, ऐसा कहते हैं। हमारा भी गुरु है। हाँ। तो अपने गुरु को पकड़ो, गुरु मर जाए तो चेले को पकड़ लेना, चेला मर जाए तो उसके चेले को पकड़ लेना। हमारा गुरु तो हम बताते हैं एक ही बार आता है, 5000 साल में एक ही बार आता है और कलयुग को पलट के सचिव बना के जाता है। तुम्हारे गुरु तो 2500 साल से एक केले दर केले बनते चले आए, दुनिया तो नीचे ही गिरती चली गई। इस बात का जवाब उनके पास नहीं होगा। हमारा गुरु तो कल्पांतकारी है, पूरे कल्प शांत कर देता है, सत्युग की स्थापना कर देता है, इसलिए सतगुरु है वो गुरु। तो मर जाते हैं तो भी कलयुग का कलयुग ही बना रहता है। हमारे गुरु तो कल्पांतकारी, पूरे कल्प शांत कर देता है, सत्युग की स्थापना कर देता है, इसलिए सतगुरु है वो गुरु। तो मर जाते हैं तो भी कलयुग का कलयुग ही बना रहता है। हाँ जी, मंदिर में कैसे कृष्ण के माता पिता ज्यादा नहीं मिल पाते हैं और उनका महिमा ज्यादा नहीं होती है? हाँ जी, हाँ जी। और कृष्ण राधा कृष्ण ज्यादा जन्म लेते हैं? हाँ जी, ऐसा मंदिर में है।
जिसने कृष्ण के लिए बोला है कि कृष्ण के माँ बाप को ज्यादा ऊंचे मार्ग के पास नहीं होते, वो संगम की कृष्ण है क्या? सचु की कृष्ण नहीं है, सचु में जो कृष्ण स्थूल रूप में जन्म लेगा बच्चे के रूप में, उसके माँ बाप तो उससे जास्ती पावरफुल होंगे, और जो संगम युग में संगम युग कृष्ण जन्म लेता है उसको प्रत्यक्ष करने वाले जो माता पिता हैं, वो हैं धर्म पिताएं, धर्म पिताओं की बीज रूप आत्माएं, धर्म पिताओं की आधारभूत आत्माएं, वो उतना ऊंच पद नहीं पाती जितना कृष्ण की सोल ऊंच पद पाती। कृष्ण की सोल सत्युग में 16 कला संपूर्ण बनेगी, वो धर्म पिताएं तो और उनके आधार मूर्त तो सत्युग में जाकर के उनके बच्चे बनेंगे, उनकी रचना बनेगी, और संगम युग में वो शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा, उनकी रहबरी में पलने वाले, उनके रहते बहुत जास्ती मान सम्मान लेने वाले, उनका सारा कारोबार संभालने वाले जो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में हुए, वो सब की नजरों में है। ब्रह्मा बाबा ने जीवन रहते अपना कारोबार कौन से भाई के हाथों में सौंपा? विश्व किशोर भाऊ, जो कराची में एक ही ऐसा भाई था जो मुसलमानों से रसद लाने के लिए बाहर जाता था, और कोई भी कन्या माताओं को बाहर की दुनिया की हवा नहीं लगने दी। तो मुरली में बोला है, तुम बच्चे किसी को कराची में देखते ही नहीं थे तो संग का रंग किसका लगेगा, और विश्वचोर बाबू बाहर की दुनिया देखते थे तो संग का रंग लगा या नहीं लगा? स्वीटिंग पीरियड में लगा तो वहीं कहीं फाउंडेशन पड़ गया। निकाल दिया जी। जो भी चार है उसमें जो कमला देवी दीक्षित है जी। ये भी बात है जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको जमा कहा जाता है तो ऐसे तो कमला देवी दीक्षित में भी शिव बाबा को प्रवेश होता है। 108 मणकों में प्रवेश नहीं होता, जो रुद्रमाला के 108 मणके हैं नंबर वार उनमें प्रवेश नहीं होता है क्या? प्रवेश तो होता है, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा है। जो एक मुकर्रर रथ है वो भी अपने मुख से ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा है। कुछ 108 मणकों की चलन दृष्टि वृत्ति कृति स्वतः ही प्रत्यक्ष कर देगी कि वो कौन से नंबर के 108 के माला के मणके हैं। 2003 के बाद तेलुगु शूटिंग हो गया तो अभी कौन सा शूटिंग? 2003 के बाद 2004 में रुंग वर्ष हो गया, और रुंग वर्ष जो हुआ है वो कौन सी मूर्ति के हिसाब से हुआ है? दूसरी मूर्ति के साथ हिसाब से हुआ है। पहली मूर्ति ब्रह्मा की, उनके 30-35 साल पूरे हुए कौन से सन में? 68 में, 68-69 में, तो 33 साल वो मूर्ति का कार्य संपन्न हुआ। दूसरी मूर्ति शंकर की, उनका भी 30-33 साल का कार्य पूरा होने का टाइम आ गया, लेकिन अभी तीसरी मूर्ति तो बची हुई है जिससे सारा प्रैक्टिकल कार्य संपन्न होना है। तो तीसरी मूर्ति के हिसाब से पहली मूर्ति और दूसरी मूर्ति दोनों के बीच में 7-8 साल का अंतराल रहा प्रत्यक्षता में।
68 से लेकर 76 तक। तो ये दोनों मूर्तियों के शूटिंग काल के बीच का अंतराल हो गया। जैसे कि यज्ञ के आज में 36 से लेकर के और जब तक स्वर्ग की स्थापना हुई थी, टेम्पल तैयार हुआ कराची में छोटा सा, भारतवर्ष के अंदर खून की नदियां बह रही थी, रौरव और नरक बन रहा था और वो आत्माएं बड़े आराम से कराची में पल रही थी। नरक के बीच दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो ये शूटिंग हुई, उसमें 10 साल लगे सामान्य रूप से, वो विशेष रूप से, और सामान्य रूप से कहें कि सचिव की शूटिंग की शुरुआत हुई संसार से, 25 वर्ष लग गए। पहली मूर्ति का कार्य शुरू होने में एक्यूरेट और ये शंकर की मूर्ति, इसका कार्य शुरू होने में बीच में 7 वर्ष का अंतराल आया, 69 से लेकर के 76-75 तक, तो टाइम कम रह गया। अभी विष्णु की मूर्ति, वो भी अंतराल होगा, वो अंतराल उतना 7-8 साल का नहीं होगा, आधा ही रह जाएगा। ऐसे नहीं कि शूटिंग खत्म हो जाती है, जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू नहीं होता, प्रैक्टिकल नाटक जब तक फाइनल शुरू नहीं हो जाता, तब तक शूटिंग चालू रहती है, रिहर्सल चलती रहती है। तो शंकर की मूर्ति के हिसाब से वाचा की और मनसा की शूटिंग समाप्त हुई, मनन चिंतन मंथन का कार्य पूरा हुआ, लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सारा कार्य पड़ा हुआ। जो पवित्रता की देवी वैष्णवी के संरक्षण में सारा कार्य संपन्न होना है, उसे भी आरंभ होने में कुछ टाइम बीच का अंतराल चाहिए। ये अंतराल अभी चलेगा और प्रैक्टिकल कार्य भी संपन्न होगा। पूरा सचिव स्थापन होने में 100 साल लगते, 30-33, 30-33, 30-33, 30-33 तीन ग्रुप बने हुए, 1936 से लेकर के 2036 तक, ये टाइम मिला हुआ है। तब तक नहीं कह सकते कि ब्रॉड ड्रामा शुरू हो गया। माता जी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, इसे हिंदी में समझो तो पूछो। खड़े होके पूछो तो थोड़ा सा। हाँ, ये देवियों का मिलन एक गायत्री मंत्र। हाँ जी, और दक्षिण पाठ सिखाते हैं। इन देवियों का मेला, इन देवियों का मेला भी गायत्री नाथ। हाँ, गायत्री गायत्री, हाँ, जिन तीन का गायन है, तीन का गायन है। दक्षिण में तो 5 लोग दिखाते हैं। किसके? गायत्री। हाँ, दिखाते हैं। देवियां तो वास्तव में 9 है, लेकिन उनमें 3 देवियां मुख्य गायी हुई है, जैसे 3 नदियां मुख्य गायी हुई है, गंगा यमुना सरस्वती। तो उन 3 के द्वारा ही सारा कार्य संपन्न हो जाता है। सरस्वती के रूप में दिखाते हैं, गंगा के रूप में दिखाते हैं, यमुना के रूप में दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा के भी 4 मुख दिखा दिए हैं, 5 मुख दिखा दिए हैं, पंचानन कहते हैं, चतुरानन कहते हैं,
तो जहाँ जहाँ जो हिसाब दिखाया है वो उनके अपने अपने संकल्पों के आधार पर उन्होंने अपने साथ लिख दिए। एक को बैठ करके कोर्स देंगे तो उसमें अभिविचारी दृष्टि का कोर्स भरेगा, अभिविचारी वाइब्रेशन का कोर्स भरेगा, अभिविचारी वाणी का कोर्स भरेगा। दो चार आठ या हुजूम को बैठ करके कोर्स देंगे तो दृष्टि का विचार, अलग अलग प्रकार की दृष्टि वाले लोग बैठे हुए, दृष्टि का विचार होने की संभावना है, वृत्ति का वाइब्रेशन टूटने की संभावना है। एक कुछ संकल्प चलाएगा, दूसरा कुछ संकल्प चलाएगा, तीसरे को कुछ वाइब्रेशन होंगे और एक एक प्रश्न पूछेगा, दूसरा सोएगा, उसको उस प्रश्न में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वो वाचा से भी विचार फैलता है। इसलिए अगर पक्का वारसदार निकालना है तो एक आत्मा को ही बैठ करके समझाना चाहिए। ये तो आज के गुरु हैं कलयुग की दुनिया के, जो पैसा कमाने के चक्कर में हुजूम को बैठा करके प्रवचन दे देते हैं और वो मंत्र धारण कर लेते हैं गुरु का। बाकी यहाँ कोई मंत्र धारण करने की बात तो है नहीं। हाँ, हैंड सम ऐसी ढेर सारी माताएं बैठी हुई उनकी एरिया में, जो नजदीक है ना, हाँ, हाँ जी, ये हैदराबाद में ढेर सारी माताएं हैं, निर्वंदन माताएं हैं, और निर्वंदन माताएं एक दो कन्याओं को साथ लेकर के जाकर उनको कोर्स दें या वो लोग उधर आ जाए। जिसको लेना होगा कुआ प्यासे के पास जाएगा या क्या कुआ प्यासे के पास आएगा? जो प्यासा होगा वो कुएं में आएगा, कुआ तो तैयार है ना। पानी के लिए बाड़ी बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, कुआ बनाते हैं, तो हैंड पाइप बने हुए हैं। एक परिवार वाले हैं, माना एक के नियंत्रण में पूरा परिवार है, एक के कंट्रोल में है सारा परिवार, तो उनको एक साथ बैठ करके कोर्स दिया जा सकता है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, एक परिवार में बच्चा एक तरफ जाता है तो बच्ची दूसरी तरफ जाती है, माँ के दूसरे विचार होते हैं, बाप के दूसरे विचार होते हैं। माँ कहती है ब्रह्मा कुमारी वो ही स्वर्ग बनाएगी, बाप कहता है एडवांस पार्टी स्वर्ग बनाएगी, बच्चे कहते हैं इंजीनियर बनने से स्वर्ग बनेगा। वो परखना है कि कौन से परिवार को इकट्ठा करके ज्ञान देना है और कौन से परिवार के भांतियों को अलग अलग करके देना है। वो नहीं होता है, जरूर होना चाहिए। सन्यासियों की पूजा नहीं होती, क्यों? उनकी आरती नहीं उतारते सन्यासियों की पूजा तो होती है ना, मंदिर में जब आरती लेकर के जाते हैं, आरती जलाई जाती है ना, दीपक जलाए जाते हैं आरती के, तो पहले गुरु जी की आरती होती है, उसके बाद मंदिर में जाके बड़ मूर्तियों की आरती होती है। गुरु जी का कहना है कि वो मूर्तियां तो जड़ हैं, उनका साकार रूप से वो हम हैं, इसलिए हमारी पहले आरती उतारो, बाद में जाके मंदिर में आरती उतारो। बाबा
संघीय संगठन में अलग किया जा रहा है, अभी दूसरे सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा ने बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 का संगठन एक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 12-12 के 9 ग्रुप हैं 9 धर्मों के, सूर्य वंश, चंद्र वंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश वगैरह वगैरह, उनमें से एक पावरफुल ग्रुप से पहले तैयार हो जाएगा। वो कौन सा होगा? एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। एक जगह बताओ कि एक जगह होंगे तो उसका एड्रेस बताओ। इसलिए युक्ति से पूछना होता है एक ही जगह होंगे क्या? दक्षिण नहीं, एक ही जगह होंगे और हैदराबाद में ही होंगे। सूर्य तो कचरे को जला देता है, क्या सूर्य क्या करता है? कचरे को जला देता है। तो सूर्य की स्थापना हैदराबाद में हो रही है ऐसा समझना चाहिए। हंसते रहे हैदराबाद है, हैदराबाद इंडिया के मध्य में नहीं है क्या? ओके, पहले भी हिंद हैदराबाद में कमाल करके दिखाया था, अभी दक्षिण हैदराबाद की बारी है। हैदराबाद आदि में भी था तो हैदराबाद अंत में भी है, और संख्या भी ज्यादा है। हाँ? हाँ? अली कहते हैं भगवान को, हैदर अली। बच्चे करने का सुनाते थे विशेष आते हैं, बाद में थोड़े दिन चलने के बाद थोड़ा गिफ्ट बनने से वो ब्राह्मणी को पाप लगने लगे। ब्राह्मणी को पाप तब लगता है जब कि ब्राह्मणी जान लेती है कि ये भिखारी है, ये नित्य बुद्धि नहीं बना है, विकारों को इसने नहीं छोड़ा है, और फिर भी उठा करके भक्ति कराने के लिए बाप के सामने मिलाने के लिए ले जाती है तो पत्थर बुद्धि बन जाती है। हाँ, बाबा ने बोला है मजबूरी हालत में ब्रेड और दूध ले सकते हैं, बाहर की होती रहे मशीन मेड ब्रेड आता है, लोगों का हाथ नहीं लगता उसमें, और कच्ची सब्जियों पर भी चल सकता है जीवन, फलों पर भी चल सकता है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो कहेंगे कि हम तो पवित्र रहते हैं, हम फल खाते हैं, फलाहारी हैं, हमारा शुद्ध शाकाहार है, हम हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, तो हम जो चाहें तो हमें करने दो, फिर क्या होगा?
क्या सेपरेट बताओ कि आज की दुनिया का प्यार झूठा है, सच्ची की प्यार है ये जोर से बोलिए। हाँ जी हाँ जी, जिससे प्यार होता है उसकी बात मान ली जाती है, एक तरफा प्यार हो जाता है। आप भी खाते बताया ना, मजदूरी हालत में डबल रोटी दूध ले सकते हैं और वो तो अजय मिल जाता है, है? तो कुछ बोलते हैं बोलने दो, ना उसके संबंधियों से न कुछ पूछना है, न उनकी मत पर चलना है। मुरली ने तो सीधा डायरेक्शन दे दिया है, अगर अपने को पक्का ब्रह्मा कुमार समझते हो तो जो ब्रह्मा मुझसे की हुई बात है उस बात को फॉलो करना है। हाँ है, हाँ ये जो मुख काटा जाता है, मुख काटना माने आत्मा को अलग कर देना, देवान को अलग कर देना। तो जो ब्रह्मा का पांच रूप दिखाए जाते हैं उनमें चार ब्रह्मा के रूप ऐसे हैं जो देवान वाले, एक ऐसा है जिसका सर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, देवान अलग हो जाता है माने संपन्न रूप प्राप्त कर लेता है, वो गॉड फादर का साक्षात रूप बन जाता है, भगवान बन जाता है, विष्णु को विष्णु के चोले को चलाने वाला बन जाता है, इसे कहते हैं शंकर। हाँ जी पंचानन माने पांच मुख, उसमें से एक से काट दिया तो चतुरानन बचा, अगर चार में से एक काट दे तो त्रिआनन बचा, वो नहीं कहा जाता। तीन मुख ब्रह्मा के नहीं बोले जाते, चार मुख। आँखों के आँखों में आत्मा बैठती है क्या? हाँ आँखों में आत्मा, आत्मा थोड़ी बैठती है, आत्मा तो प्रकृति में बैठती है। प्रकृति में आत्मा को देखेंगे तो दो आंखों में से रोशनी तो जरूर आएगी। हाँ अंधे लोग जो होते हैं उनकी और दूसरी इंद्रियां बहुत तीक्ष्ण काम करती है, क्योंकि मन के ऊपर सारी इंद्रियों का मदार होता है, जिसकी जितनी इंद्रियां कम होंगी पुरुषों की मनुष्यों की उसका मन बहुत तीक्ष्ण काम करता है, इसलिए जो भी बची हुई इंद्रियां हैं वो तीखा काम करती है, इसलिए वो तीसरे नेत्र से ही सारा कार्य कर लेता है, टच करके भी किसी को याद कर सकता है, एक बार टच कर लिया तो उसको नाम याद आ रह जाएगा जिंदगी भर। स्पर्श की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूने की शक्ति उसकी तीक्ष्ण हो जाती है। बाबा महसूस होता है कि बाहर की दुनिया में विनाश शुरू हो गया, महसूस होता है तो मालूम होते हैं देखने से आनंद विनाश तो शुरू हो गया बाबा के लिए।
वो तो चलता चला आ रहा है। एक्यूरेट विनाश तो तब शुरू होगा जब आपकी स्थापना हो जाएगी। जब तक स्थापना पूरी नहीं हुई है तब तक विनाश शुरू नहीं हो सकता। मगर हम विनाश को लेकर शांत हो रहे हैं, रोज रोज हमारी शांति तो बढ़ रही है। बाहर की दुनिया के तो अपनी शांति तो बढ़ रही है। हाँ जी, आगे बढ़नी चाहिए। अनपढ़ लोग फोटो में पैसे देना है तो जो नजदीकी व्यक्ति हो, ज्यादा अजीज हो उनका उससे लिखवा ले, जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास हो। दादा 108 और 8 में क्या रिलेशन है? 108 की माला है ना, और 8 अष्टरत्न में क्या रिलेशन है? अष्टरत्न और अष्टदेव नहीं, हाँ, अष्टरत्न और 108 की माला। 108 में 8 जो है वो अष्टदेव सहित रत्न है 8, और जो बाकी 100 है वो विजय माला से और रुद्रमाला से युगल मण के बने। 100 अलग है, 8 अलग है, और वो 8 हर प्रकार की माला में ऐड हो जाते हैं। 1000 में भी ऐड होते हैं, 16000 में भी ऐड होते हैं, 9 लाख की माला होगी उसमें भी ऐड होंगे, क्योंकि हर एक ग्रुप में उनकी श्रेष्ठता दिखाई जाती है। शंकर एक आत्मा से नहीं बनता है, शंकर माना मिक्स। राम वाली आत्मा भी है, कृष्ण वाली आत्मा भी है, और शिव भी तीसरे नेत्र के उसमें प्रवेश है। ज्ञान चंद्रमा अधूरा उसमें प्रवेश है, शंकर कहा जाता है, मिक्स पार्ट है। अष्टदेव धर्म स्थापन करने के लिए नहीं जाते हैं। अष्टदेव जो है वो बाप के साथ रहने वाले हैं, तो वो वर्षा देने के लिए जाते हैं। राजा जी बाप के साथ राजाई का वर्षा देने के लिए जाते हैं। सारे सूर्यवंशी बनेंगे तब पीछे आएंगे, जब हाँ बिल्कुल जाएंगे। नहीं, कहीं भी जाना जाने आने के लिए बाबा की तो मना नहीं है। भाई ने कहा है कि उनको बाबा ने बताया कि नहीं जाना। बाबा क्यों मना करेंगे? तो हिम्मत करोगे तो बाबा मदद और करेंगे। प्रश्न करने के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो जिज्ञासा के वशीभूत होकर के प्रश्न किया जाता है, वो अच्छी बात है, उसको अनिश्चय की निशानी नहीं कहेंगे, और एक प्रश्न होता है डाउन करने के लिए, अपोजिशन करने के लिए, वो अनिश्चय की निशानी, वो परखा होता है। ये प्रश्न करने वाला किस उद्देश्य से प्रश्न कर रहा है? आत्मिक स्थिति में सुख दुख से उपराम रहता है। आत्मिक स्थिति में तो सुख दुख से उपराम रहते ही है, कैसे की क्या बात? जो आत्मिक स्थिति में होगा वो उसको देह का भान ही नहीं हुआ, जब देह का भान नहीं है तो सुख दुख कहाँ से आएगा? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, आत्मिक स्थिति माने निराकारी। जब देह में आत्मा होती है तभी सुख दुख का अनुभव करती है,
देह में नहीं है सुख दुख कहाँ से आ जाएगा।